हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद पवन यूट्यूब चैनल। दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जिसमें अगर आपने अपना फुल टाइम BE BTECH मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस से अगर कम्प्लीट किया है विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, तो आप यहाँ पर बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो अगर आपने गेट 2022 का पेपर अगर इन ब्रांचेस से अगर लिखा है तो आप यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपके गेट के मार्क्स के बेसिस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसकी अप्लाई करने की तारीख 6 अप्रैल से शुरू होगी और इसका डिटेल नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को ही आएगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि वे इस साल गेट 2022 के बेसिस में यहाँ पर रिक्रूट करने वाले हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर आपका गेट 2022 का पेपर अगर अच्छा गया है। तो अगर आप इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर वीडियो को क्लिक कर रहे हैं तो वीडियो पर लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो यहाँ पर अगर वैकेंसीज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, जिसमें इन टोटल 22 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पर आपको लेवल 10 के बेसिस में आपको सैलरी मिलने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी एक PSU है, तो यहाँ पर आपको सैलरी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर अनरिजर्व में अगर देखें तो 9 वैकेंसी है, और OBC के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 2, और EWS वालों के लिए 2 वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर आपको फुल टाइम BE BTECH मांगा गया है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 60% मार्क्स चाहिए रहेंगे। और यहाँ पर अपर एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स, और अगर आप कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसी तरह अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 22 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, और उसी तरह सिविल में देखें तो 5 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर देखें तो यहाँ पर 5 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पर भी आपको फुल टाइम BE BTECH मांगा गया है विद 65% ऑफ मार्क्स फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट, और 60% फॉर SC ST कैंडिडेट। उसी तरह IT वालों के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर इन सारे ब्रांचेस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 6 अप्रैल से यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपका गेट का मार्क्स अगर अच्छे आए हुए हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लेना। तो ये थी इनकी एक शॉर्ट नोटिस जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो इनकी डिटेल नोटिफिकेशन जो आएगी वो 6 अप्रैल को आएगी, तो आप 6 अप्रैल में इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर लेना। तो इस अपडेट के लिए इतना ही, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।